हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल लर्न टू टर्न में। दोस्तों, हम इस वीडियो में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि सवाल हर एक कार ओनर के मन में रहता ही है कि क्या सच में बाहर वाले प्रोडक्ट लगवाने से, माने कि आफ्टर मार्केट वाले प्रोडक्ट हमारी कार में लगवाने से हमारी कार की वारंटी स्पॉइल हो जाती है। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं वो करने की वजह से हमारी कार की वारंटी स्पॉइल हो जाती है, जो कि हमें पता भी नहीं है लेकिन हम वो कर देते हैं और उसकी वजह से हमारी कार की वारंटी स्पॉइल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यू कार खरीदने के बाद अपने पसंद वाले एसेसरीज अपने कार में लगवाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन डीलरशिप में अगर उस एसेसरीज के हम प्राइस पूछे तो वो ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा रहती है आफ्टर मार्केट वाले प्रोडक्ट से। लेकिन अगर हम आफ्टर मार्केट वाले प्रोडक्ट लगवाने की सोचे तो डीलर हमारे सपने में आकर भी बोलता है कि आपकी कार की वारंटी आफ्टर मार्केट वाले प्रोडक्ट से स्पॉइल हो सकती है, आप हमारे यहाँ से वो प्रोडक्ट लगवाइए, आपकी वारंटी एकदम सिक्योर रहेगी। क्यों? आप क्या वो एसेसरीज लगवाने के लिए कार को फिर से कंपनी भेजने वाले हो? आप तो अपने यहाँ के ही मैकेनिक से वो एसेसरी लगवाने वाले हो, वायर कट करने वाले हो। फिर अगर आप अपने मैकेनिक से वो वायर कट करवा कर वो एसेसरी लगवा सकते हैं, उससे वारंटी स्पॉइल नहीं हो सकती। फिर अगर हम बाहर से लगवाते हैं किसी मैकेनिक से ही, तो हमारी कार की वारंटी कैसे स्पॉइल हो सकती है? दोस्तों, कार वारंटी एक एग्रीमेंट होती है कार मेकर के बीच में और कार कस्टमर के बीच में। फॉर एग्जांपल, मानिए कि हमारे नेक्सॉन पर 2 साल की 75,000 तक का वारंटी है, तो कार मेकर कहता है कि इस लिमिट तक हमारी कार में कोई भी खराबी नहीं आएगी। अगर कोई खराबी आती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह कार मैन्युफैक्चरर की होगी और वो जो खराबी आई है वो चेंजेस वो करके देंगे विदाउट एनी कॉस्ट। तो उसके साथ साथ कस्टमर की भी जिम्मेदारी होती है कि जैसे कार मैन्युफैक्चरर कहते हैं उस हिसाब से अपनी कार की केयर करने की। फॉर एग्जांपल, उन्होंने दिए शेड्यूल के अनुसार हमें सर्विस करनी होती है, उनके ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर हमें कार की सर्विसिंग करनी होती है, उन्होंने बताए गए फ्लूइड का ही सही से इस्तेमाल हमें करना होता है और जो सर्विसिंग की हुए है उसकी रिसिप्ट हमें प्रूफ के लिए रखनी होती है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आफ्टर मार्केट वाले प्रोडक्ट से क्या हमारे कार की वारंटी स्पॉइल होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर मार्केट वाले प्रोडक्ट से हमारी कार की वारंटी स्पॉइल बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कार की वारंटी रबर, प्लास्टिक वाले चीज, ग्लासेस वाले चीज कवर नहीं करते हैं। वो पावर विंडो की मोटर कवर करेंगे या फिर वाइपर की मोटर कवर करेंगे, लेकिन वाइपर ब्लेड्स को वो कवर नहीं करते हैं। वो हेडलाइट्स कवर करते हैं, लेकिन उसके जो बल्ब्स रहते हैं उसको कवर वारंटी नहीं करती है। वैसे ही अगर मैकेनिकल चीज के बारे में बताना जाए तो इंजन को कवर करती है, उसके साथ साथ ट्रांसमिशन, रियर डिफरेंशियल, इस चीज को कंपनी वारंटी कवर करती है, लेकिन क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ब्रेक पैड्स, इन चीजों को कंपनी वारंटी कवर नहीं करती है। या फिर इलेक्ट्रिकल चीज में जो वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है उस वायर को भी वारंटी कवर नहीं करती है। तो इसीलिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल, माने कि अगर आपने अपनी कार में कोई म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया या फिर केबिन में कोई एक्स्ट्रा लाइट लगवा दी वायर कट वगैरह करवा कर, और उसके बाद अगर आगे जाकर आपकी कार के ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम आती है और आप वारंटी क्लेम करने के लिए जाते हैं, और तब अगर आपको अपनी कंपनी कहती है कि हम वारंटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने बाहर से म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है, उसकी वजह से ट्रांसमिशन में दिक्कत आई है, तो दोस्तों ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि म्यूजिक सिस्टम का और ट्रांसमिशन का कोई लेना देना नहीं होता। जब तक हमारी कंपनी प्रूव नहीं करती कि आपने जो प्रोडक्ट बाहर से लगवाया है उसकी वजह से जो खराबी आई है वो उसी के कारण है, तब तक आपकी वारंटी स्पॉइल हुई है ये कह नहीं सकते हैं। कंपनी को प्रूव करना होता है कि जो खराबी आई है वो उस प्रोडक्ट की वजह से आई है।
इसलिए दोस्तों आप आफ्टर मार्केट वाले प्रोडक्ट अपनी कार में बेझिझक लगवा सकते हैं, इससे कोई वारंटी स्पॉइल नहीं होती है। ये बस डीलरशिप का जरिया रहता है पैसे कमाने का। अगर वो खुद हमें चेंज कर देते हैं, हमें जो चाहिए वो लगा कर देते हैं, वायर कट करवा कर उनके खुद के इलेक्ट्रिशियन से मैकेनिक से, तो हम क्यों नहीं बाहर से वो लगवा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें पता नहीं, हमें पता नहीं इसलिए कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से सच में हमारी कार की वारंटी स्पॉइल हो सकती है। और दोस्तों पहले है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी ने बताए हुए सर्विस शेड्यूल के अनुसार हमने सर्विस नहीं की तो हमारी कार की वारंटी स्पॉइल हो सकती है, क्योंकि कार कंपनी डायरेक्टली कह सकती है कि आपकी कार में खराबी इसलिए आई है क्योंकि जैसे हमने आपको बताया हुआ था, सर्विस शेड्यूल दिया हुआ था, उस हिसाब से आपने सर्विसिंग नहीं की है, इसकी वजह से आपकी कार में ये खराबी आई हुई है। इसलिए दोस्तों सर्विस हमें टाइम टू टाइम करवाना जरूरी होती है। और दोस्तों सेकंड है प्रूफ के लिए रिसिप्ट का रखना। आपने अपनी कार की सर्विसिंग टाइम टू टाइम की है, वो कंपनी को समझने के लिए हमारे पास रिसिप्ट रखना जरूरी है, जिससे कि कंपनी को पता चले कि आपने टाइम टू टाइम सर्विसिंग की हुई है। और दोस्तों थर्ड है, कंपनी ने सजेस्ट किए हुए फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों कंपनी लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देती है अपनी कार के इंजन को, पार्ट्स को, सूटेबल फ्लूइड को सर्च करने में, उसे बनवाने में। अगर आप अपने पसंदीदा कोई फ्लूइड का इस्तेमाल करें, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल का इस्तेमाल करें, तो इसकी वजह से भी आपकी कार की वारंटी स्पॉइल हो सकती है, क्योंकि कंपनी कह देगी कि हम लोगों ने जो सजेस्ट किए हुए थे फ्लूइड वो आपने यूज किए हुए नहीं है, तो उसकी वजह से ये खराबी आई है। तो इसलिए दोस्तों जो कंपनी सजेस्ट करती है उसी फ्लूइड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों फोर्थ है कि अगर आप अपनी कार में कन्वेंशनल टायर या फिर व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने जो सस्पेंशन है उसमें कुछ चेंजेस करवा देते हैं, तो उससे कार के पूरे प्लेटफॉर्म में ही चेंजेस आ सकते हैं, तो उसकी वजह से कार की पूरी हैंडलिंग बदल जाती है, स्टेयरिंग में चेंजेस आते हैं, कार के कंट्रोल में चेंजेस आते हैं, तो ऐसी इस मॉडिफिकेशन की वजह से भी कार की कंपनी वारंटी क्लेम एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा उसका प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया होता है, वो अपने हिसाब से व्हील्स का इस्तेमाल कर मॉडिफिकेशन कर। और दोस्तों फिफ्थ और सबसे आखिर वाला है परफॉर्मेंस में मॉडिफिकेशन करना। कई लोग अपनी कार के परफॉर्मेंस में मॉडिफिकेशन करते हैं, अपनी कार का एवरेज बढ़ाने के लिए या फिर अपनी कार का पिकअप बढ़ाने के लिए उसके परफॉर्मेंस में मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ऐसे करने के बाद भी अपनी कार की वारंटी जो है वो स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि आप उसके परफॉर्मेंस से ही खिलवाड़ करते हैं, तो इस चीज़ों की वजह से भी आपकी कार की वारंटी जो है वो स्पॉइल हो सकती है, कार कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से मदद हो गई होगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से मदद हो गई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि वो भी इस भुलावे में ना रहे कि आफ्टर मार्केट वाले प्रोडक्ट लगवाने से हमारी कार की वारंटी स्पॉइल होती है और वो ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं डीलरशिप वाले प्रोडक्ट लगवाने में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आते रहता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों हम इस तरह मैं आपको वही कहूंगा कि हमेशा ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, क्योंकि वो हमारे ही सेफ्टी के लिए होते हैं। हमेशा ड्राइविंग करते वक्त अलर्ट रहिए और अपने मोबाइल से दूर रहिए।